हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल जेके राइडर अमित। और आज हम लोग जा रहे हैं भाई अपनी लोकल डेस्टिनेशन में थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि वहां पे पड़ चुकी है भाई बर्फ़। साल की हमारे जो सीज़न है उसकी पहली बर्फ़ पड़ चुकी है मशेडी वाली साइड, तो वहीं पे जा रहे हैं मैं और वीरेन, और साथ में हमारे साथ और दो बंदे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो इस बार हमारे साथ सुनील भाई नहीं जा रहे क्योंकि उनको भाई आज काम है थोड़ा सा, तो उस वजह से वो थोड़े से बिजी हैं आज। तो चलिए उनका वेट करते हैं, राजवंश और प्रबल का। तो चलिए उनका वेट करते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। ये हमारी हिमालयन अभी लगभग 8000 किलोमीटर चली है, 2021 में ली थी। तो वो देखो भाई, राजवंश आ गया, पूरी आवाज़ सुन रहे हो और रॉयल वाली फील आ रही है पूरी, है ना। ये देखो, ये पूरा अभी मज़े में आ रहा है ना, आँखों में से पानी निकल गया। तो भाई अभी हमारे सामने आ चुके हैं राजवंश और प्रबल। तो ये देखो भाई, इसके पास है क्लासिक, तो ये दोनों बाइक जाएंगी रॉयल इनफील्ड। तो जल्दी से चलते हैं अपना। मैंने तो अभी GoPro इंस्टॉल करना है, अभी थोड़ा सा सीन हो गया था आते टाइम, जो कि ये देखो यहाँ से भी ख़राब हो गया, ये टूट गया, पता नहीं ख़राब हो गया, अभी देखा ये भी। तो ये देखो भाई, यहाँ से टूट चुका था, अभी एल्फी लेके यहाँ पे सेट करा है इसको, देखते हैं कितना काम निकालता है ये। बाकी तो भाई ऑल सेट टू गो, ऊपर जाके होंगे, ठीक है। तो भाई ये था थोड़ा सा मजाक, और अभी चलते हैं आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए। तो भाई अभी राजवंश बता रहा है कि वहाँ पे मशेडी वाली साइड आज काफी टूरिस्ट गए हैं, लोकल गए हैं कि वहाँ बाहर से आए, बाहर के भी। तो देखते हैं वहाँ पे कौन कौन हमें देखने को मिलेगा लोकल और बाहर का, तो भाई हमारे पहचान का होगा कोई नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा बिलावर भी एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और बाहर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए और कैंपिंग के लिए। अच्छी अच्छी लोकेशन भी है वहाँ पे, लेकिन गर्मियों के लिए अभी भी है, लेकिन जिसमें मतलब कि थोड़ी सी गड्स हो कि वो जा सकते हैं अभी भी, बाकी तो गर्मियों के टाइम तो वही मस्त जगह है वो कैंपिंग के लिए। तो चलते हैं अभी सीधा आगे, GoPro में मिलते हैं भाई। हम लोगों ने अभी अपना यो GoPro कर दिया सेट, अभी पहनते हैं जल्दी से हेलमेट और निकलते हैं यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू। तो भाई अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से अपने बिलावर से, तो लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिलावर से मशेडी, तो देखते हैं कितने टाइम में कवर होता है। और हम लोग आराम आराम से जाएंगे और पूरा वेदर का एंजॉय करेंगे और रोड का, और ये तो वादियाँ हैं ही अच्छी। और वो देखो भाई, बुलेट की गट्स पूरी आवाज़ सुन रहे हो आप, पहले साइलेंसर चेंज करवाया शायद से भाई। सामने देखो इस बंदे ने घर कहाँ पे बनाया ना, पूरा साइड से कर्व है रोड और बीच में सेंटर में घर है, और इतनी प्यारी लोकेशन है। इस साइड देखो पूरा व्यू आता है भाई। तो भाई यहाँ पे रुके हम लोग क्योंकि हाथों में लग रही है भाई ठंड, और ठंड का एक ही इलाज है वो है ग्लव्स। तो ग्लव्स हम लोग लेके आए हैं, दस्ताने। हाँ भाई, ये है दस्ताने, ये आ गए हमारे दस्ताने, तो यही पहनने वाले हम लोग। थोड़ा सा तो भाई बचा ही लेंगे, इतने मेरे को लग नहीं रहा है कि हवा इसमें शायद से क्रॉस हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो बचाव कर ही लेंगे। तो बाकी तो भाई आगे वाला व्यू आपको दिख ही रहा है सारा। तो यहाँ पे भाई पूरा एक पहाड़ वाला माहौल है, पूरा हर जगह पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच से हम लोग जा रहे हैं। तो भाई प्रबल भाई देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, और यहाँ पे भाई देखो रोड की कंडीशन कितनी ठीक ठाक हो चुकी है अभी, क्योंकि भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तब ये रोड बना नहीं था, लेकिन अर्थवर्क हो चुका था तब भी, और अभी तो मेरे को लग रहा है ये रोड शायद से सुकराला तक तो पूरा प्रॉपर बन चुका होगा। तो मशेडी वाला रोड का हम कह नहीं सकते हैं कुछ भी, तो वो वहीं पे जाके पता चलेगा। भाई मेरे को लग रहा है वहाँ पे पक्का से बर्फ़ पड़ रही है ऊपर, और तो लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाए तो वो तो भाई मज़ा ही लग गया। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या रोड यहीं तक बना है, और यहाँ पे है थोड़ा सा स्लशी एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ पे भाई टायर हमारे स्किड कर जाएँ। तो आराम से चलते हैं, इससे बेटर है। और वहाँ पर हमारी सुकराला देवी, वो सामने दिख रहा है मंदिर टावर के नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ही चलना पड़ेगा, पहला ही है, आराम आराम से करो भाई। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है, और गाड़ी वाले भैया ने तो भाई रोक ली। बाइक के लिए थोड़ी सी परेशानी रहती है, तो गाड़ियों के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं है।
और भाई साहब यहाँ पे आ चुका है एक थोड़ा सा एडवेंचर वाला रास्ता। तो ये एडवेंचर तो भाई हमें वैसे भी पसंद है और यहाँ पे कुछ खास एडवेंचर है नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, है ना। तो एडवेंचर ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। यहाँ से भी आपको पूरा प्रॉपर बिलावर का व्यू देखने को मिल जाएगा थोड़ी सी आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे है थोड़े से पेड़, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। बाकी आगे एक जगह है यहाँ से पूरा बिलावर का व्यू दिखेगा हमें, तो वो जगह भाई, ये तो भाई मेरी फेवरेट जगह है मिशेटी वाले रास्ते में। और ये थोड़ा सा ही पैच है क्योंकि यहाँ पे पूरा स्लाइडिंग वाला पहाड़ और नीचे भी यहाँ पे कोई प्रॉपर रास्ता बनाया और इतना खतरनाक रास्ता लगता है मेरे को ये वाला, वाइब आती है भाई सच में ये वाले रास्ते को कवर करने में। वाओ भाई साहब क्या ही व्यू है भाई, क्या ही व्यू। और थोड़ा सा आगे खड़े होते हैं ना कहीं पे, तो वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आगे आ चुकी है गाड़ी और हम लोगों को ही रुकना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी वाले को भाई जाने के लिए जगह देनी पड़ेगी हमें। तो कुछ ऐसे रास्ते भी आते हैं लेकिन हम लोग टैकल कर लेते हैं इन रास्तों में ना। बाकी वो देखो सामने टूरिस्ट आए हैं, वहाँ पे भी खड़े हैं, कुछ एंजॉय कर रहे होंगे आराम से अपना अपना। तो हम लोग भी जा रहे हैं सीधा आगे, बट हमारी मेन डेस्टिनेशन है भाई सीधी मशेटी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने देखनी है बर्फ़। तो इस बार तो वैसे ही लेट हो चुके हैं, इस बार अब जाके पड़ी है बर्फ़। ये देखो भाई पूरा बिलावर दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे खड़े होते हैं 2 मिनट के लिए आपको व्यू दिखाने के लिए, खाली ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। वो देखो भाई पूरा बिलावर दिख रहा है आपको, बिलावर वाला ब्रिज भी दिख रहा है और वो नीचे फिंतर वाला एरिया भी दिख रहा है, बिनी पुल दिख रहा है वहाँ पे नीचे, यही है ना, देवल दिख रही है आदि। और बिलावर में काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं जो कि हम लोग विज़िट कर सकते हैं। क्या हुआ अभी भाई? यहाँ से आपको पूरी प्रॉपर रणजीत सागर डैम भी दिख रही होगी वहाँ पे, अगर शायद से कैमरे पे पता नहीं अभी दिख रहा है कि नहीं गोप्रो में, बट मेरे को यहाँ से पूरी प्रॉपर दिख रही है। तो वो पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से, शायद से ये बसोली वाला एरिया होगा भाई। मशेटी हम लोग अभी प्रॉपर नहीं पहुँचे, लेकिन मशेटी से थोड़ी सी पीछे एक गार्ड नाम की जगह है, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और वहाँ पे भाई आपको दिखा दे कि हल्के हल्के से हमें निशान दिख चुके हैं बर्फ़ के। तो वो देखो भाई सामने पूरे बर्फ़ पड़ी है, अभी पुरानी बर्फ़ है कि ताज़ी बर्फ़ है अभी ये तो हम कह नहीं सकते हैं, आगे जाके हमें पूरी प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो ये तो थोड़ी बहुत है, लेकिन आगे तो भाई नेक्स्ट ही लेवल की बर्फ़ पड़ी होगी, वो दिखाते हैं आपको आगे जाके। भाई बाइक हमने यहाँ पे खड़ी कर लिया और यहाँ पे हम लोग ने अच्छा सा एक फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिया दोनों बाइक के साथ, और वो वाले फ़ोटो आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी जेके राइडर अमित में। भाई साहब ये देखो सामने क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, सामने देखो भाई, भाई क्या ही नज़ारे है कसम से, भाई कसम से। यहाँ पे देखो कोई बर्फ़ नहीं दिख रही है, वहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है ना, नज़ारे आगे आएंगे भाई। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉपर मशेटी। तो आगे पीछे तो मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूं क्योंकि यहां पे है भाई थोड़ा आर्मी एरिया उस वजह से, और ये है बस स्टैंड मशेटी। तो ये है भाई यहां का पुलिस स्टेशन मशेटी का। भाई बारिश के कारण थोड़ी सी हालत हो गई है ख़राब, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, और बाइक हम लोगों ने लगा दी यहाँ पर साइड पर, और रेन कवर वगैरह पहन लेते हैं, रेन लाइनर। और इन्होंने तो पहन लिया अभी, पहले वीरेन पहन रहा है, अभी उसके बाद मैं पहनूंगा साथ में। भाई आपको अपना गोप्रो सेव करना है, यहाँ पे करते हैं कुछ जुगाड़ अच्छा सा। सो भाई हम लोग निकल रहे हैं आगे क्योंकि पीछे आ चुकी है गाड़ी, उसको भाई थोड़ी सी साइड देने पड़ेगी भाई, के लोगों के घर है नीचे और यहाँ पर भाई रास्ता बनाया उन्होंने। ये देखो भाई महफिल। सो गाइस फाइनली हमें यहाँ पे लाइव स्नोफॉल देखने को मिल गई है, ये देखो भाई हमारी बाइक पे हल्की हल्की से स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, और ये देखो भाई क्या ही नज़ारे हैं नेक्स्ट लेवल। आपको पता नहीं अभी दिख रही है कि नहीं, बट आपको मैं अपने बाइक पे दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो भाई हल्की हल्की सी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, पूरी रुई की तरह आ रही है भाई। ये देखो सामने कितना ही तबाही वाला सीन हुआ पड़ा है और लाइव स्नोफॉल हो रही है भाई, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात। और भाई ये देखो गाड़ी वाले कैसे चल रहे हैं भाई, आल्टो पहाड़ों की रानी, बहुत खूब भाई।
कैप्चर करो यार, कोई तो कैप्चर करो यार भाई। लाइव स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे मशेडी वाली साइड, और मैं तो मशेडी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइव स्नोफॉल। वैसे तो देखी है काफी टाइम आके, बट लाइव नहीं देखी है भाई अभी तक, है ना। तो और अभी ठीक ठाक बर्फ पड़ रही है अभी यहाँ पे, है ना। और दोपहर के शायद से अभी 3 बजे होंगे, और 1-1.5 बजे हम लोग निकले थे घर से। एक और पहाड़ों की रानी आ गई है, और कैसे जा रही है ये देखो, तगड़े नज़ारे भाई साहब। ये थे असली नज़ारे भाई। गिर गया था बंदा भाई, ये देखो कहाँ पे आके गई, रुकी है बाइक भाई। स्नोफॉल के नज़ारे भाई कुछ हद तक ही अच्छे लगते हैं। भाई बाइक चलाना बहुत ही रिस्की काम है बर्फ में भाई। ये देखो भाई क्या ही नज़ारे। अभी ऊपर नहीं करूँगा मैं कैमरा, क्योंकि लाइव स्नो कैप्चर करने के चक्कर में भाई पूरा कैमरे का जो लेंस है पूरा ख़राब हो रहा है। ख़राब नहीं कह सकते हैं, बट मतलब आपको व्यू अच्छा नहीं आएगा उसके बाद। भाई यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है अभी -2, और पहले दिखा रहा था -4। अभी देखते हैं भाई, देखना क्या है। अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, जितनी जल्दी हो सकता है निकलेंगे घर पे। और यहाँ पे एडवेंचर चलने लगा भाई अच्छा वाला। ये सही है भाई। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। हमारी बाइकें फंस चुकी हैं यहाँ पे, वो देखो आगे जाम लगा है। और यहाँ पे मेरे को लगता नहीं अभी यहाँ से बाइक हमारी जा पाएगी। और स्नोफॉल तो भाई तगड़ी हो गई है, जितनी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तो अभी ये देखो बाइक की कंडीशन हमारी बहुत ही ख़तरनाक हुई पड़ी अभी। और ब्रेन पीछे कांप रहा है भाई। और एक नुकसान और हो गया भाई, ठंड के कारण सीट हमारी जो थी सीट कवर वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, उस वजह से साफ़ करते टाइम भाई वो पूरा फट गया। अभी बाद में दिखाएंगे आपको वो पूरा। वीरेन कहाँ पर है भाई पीछे, ये देखो कंडीशन बुरी है इस टाइम। तो हो सकता है शायद से मेरी आवाज़ ना भी आए आपको अभी। प्रवल कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंडा। प्रवल ठंडा हो गया भाई, राजवंश एक्टिव है थोड़ा सा। और वीरेन भी कहाँ पूरा पीछे, बट स्नोफॉल का पूरा नज़ारा आ रहा है। बट अभी तक तो ठीक है, लेकिन वापस घर जाते टाइम भाई अभी वो देखो रोड की कंडीशन कैसी रहती है, और बाइक हमारी स्लिप होती है कि नहीं होती है। वैसे तो हम आहिस्ता ही जाने वाले हैं। राजवंश निकाल रहा है भाई बस को, बोल रहा है इशारे कर रहा है आजा भाई।
ये देखो भाई बाइक कैसे लेके जा रहे हैं। और ये देखो भाई बाइक हमारी कहाँ पे खड़ी है और बाकी वाले चले गए आगे आराम आराम से लेके जा रहे हैं। राजवंश की बाइक थोड़ी स्लिप कर रही है। सो भाई यहाँ पे हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में। ये देखो कितनी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे लाइव। और ये देखो भाई पूरा डांस चल रहा है यहाँ पे और स्नोफॉल। और रास्ता देख लो भाई पूरा अभी मेरे को लग रहा है बंद हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। और अभी हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम वापस चले जाए घर पे क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हम लोग फंसे। और भाई ये देखो हमारी बाइक और आपको बाइक के पूरे नज़ारे दिखा देता है। ये देखो भाई क्या हालत हुई पड़ी है यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी अभी निकलने की कोशिश करते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना याद से। और भाई अपने भाई को सपोर्ट करो यार जल्दी से जल्दी। और हम बहुत ही जल्दी एक नई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो आने वाले टाइम में आपको पता चल ही जाएगा। तो बाकी तो भाई नज़ारे फुल है तो बर्फबारी भी आपके सामने ही है जो भी है। तो अभी चलिए निकलते हैं यहाँ से घर की ओर वापस। बादल भी गरज रहे हैं भाई अभी वो देखो भाई इको आ रही है ऊपर से। चलो चलिए गाइस बाय बाय। भाई ये देखो इसे कहते हैं एडवेंचर बहुत ही खतरनाक वाला। भैया दोनों पैर नीचे लगा के जा रहे हैं अभी क्योंकि भाई रिस्क है अभी थोड़ा ना। तो अभी हमें भी शायद से ऐसा ही जाना पड़ेगा नीचे तक। वो देखो भाई ऊपर वाली साइड ये वाले एरिया में है ना कितनी बर्फ़ पड़ी है भाई। अभी यहाँ से क्लियर तो नहीं दिख रही वैसे ये दूर है यहाँ से तो थोड़ा सा नुकसान भी हो गया मेरा। ये तो भाई पहले का फटा था। तो ये देखो अभी पूरी सीट कवर मारा फट चुका है यहाँ से। अभी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी उसको साफ़ करने के चक्कर मैंने ऐसे कर दिया और ये वाला पूरा फट गया यहाँ से ये पूरा एरिया। ये वाला पहले का था। चलो क्या ही कह सकते हैं ये चलता रहता है छोटा छोटा।